छांदोग्य उपनिषद के अनुसार एक समय प्रजापति ने कहा कि आत्मा पाप से रहित, बुढ़ापे से रहित, मृत्यु से रहित, शोक से रहित, क्षुधा से रहित, पिपासा से रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है। उस आत्मा की खोज करनी चाहिए, वही जानने योग्य है। जो उस आत्मा को जानकर उसका अनुभव करता है, वह संपूर्ण लोकों को और संपूर्ण भोगों को प्राप्त करता है। प्रजापति के इस वचन को सुनकर देवता और असुर दोनों ने आत्मा को जानने की इच्छा की। देवताओं में इंद्र और असुरों में विरोचन प्रतिनिधि चुने गए और उन दोनों ने प्रजापति के पास जाने का विचार किया। परस्पर द्वेष के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ भी न कहकर दोनों समित पाणी होकर विनय पूर्वक प्रजापति के पास गए। दोनों ने वहां जाकर परस्पर की ईर्ष्या को भुलाकर लगातार 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसके बाद प्रजापति ने उनसे पूछा कि मिच्छन्ताव वास्तम, किस इच्छा से तुम दोनों यहां आकर रहे हो? उन्होंने कहा, भगवन, आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधा और पिपासा रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है। वह जानने योग्य है, वही अनुभव करने योग्य है। जो उसको जानकर उसका अनुभव करता है, वह संपूर्ण लोकों और संपूर्ण भोगों को प्राप्त होता है। आपके ये वचन सबने सुने हैं, इसी से उस आत्मा को जानने की इच्छा से हम लोग यहां आए हैं। प्रजापति ने कहा, आंखों में ये जो पुरुष दृष्टा अंतर्मुखी दृष्टि वालों को दिखता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्म है। इंद्र और विरोचन ने अशुद्ध बुद्धि होने के कारण इस कथन को अक्षरशः ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। उन्होंने समझा कि नेत्रों में जो मनुष्य का प्रतिबिंब दीख पड़ता है, वही आत्मा है। इसी निश्चय को दृढ़ करने के लिए उन्होंने प्रजापति से फिर पूछा, हे भगवन, जल में जो पुरुष का प्रतिबिंब दिखता है अथवा दर्पण में शरीर का प्रतिबिंब दिखता है, इन दोनों में से आपका बतलाया हुआ ब्रह्म कौन सा है? क्या ये दोनों एक ही हैं? प्रजापति ने कहा, हाँ हाँ, वो इन दोनों में ही दिख सकता है, वही प्रत्येक वस्तु में है। इसके बाद प्रजापति ने उनसे कहा, जाओ उस जल में भरे हुए कुंड में देखो, और यदि वहां आत्मा को न पहचान सको तो फिर मुझसे पूछना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। दोनों जाकर कुंड में अपना प्रतिबिंब देखने लगे। प्रजापति ने पूछा, तुम लोग क्या देखते हो? उन्होंने कहा, भगवन, नख से लेकर शिखा तक हम सारे आत्मा को देख रहे हैं। नख शिख की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने फिर कहा, अच्छा, तुम जाओ और शरीरों को स्नान कराकर अच्छे अच्छे गहने पहनो और सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करो, फिर जाकर जल के कुंड में देखो। नख और केश के सदृश ये शरीर भी अनात्म है। इसी बात को समझाने के लिए प्रजापति ने यूं कहा, परंतु उन दोनों ने इस बात को नहीं समझा। वे दोनों अच्छी तरह नहा धोकर सुंदर सुंदर वस्त्रालंकृत होकर सजकर कुंड पर गए और उसमें प्रतिबिंब देखने लगे। प्रजापति ने पूछा, क्या देखते हो? उन्होंने कहा, हे भगवन, जैसे हमने सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हैं, इसी प्रकार हमारे इस आत्मा ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकारों को धारण किया है। प्रजापति ने सोचा कि अंतःकरण की अशुद्धि के कारण आत्मा का यथार्थ स्वरूप इनको समझ में नहीं आया। संभवतः मेरे वचनों का मनन करने से इनके प्रतिबंधक संस्कारों के दूर होने पर इनको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो सकेगा। इस तरह विचार कर प्रजापति ने कहा, यही आत्मा है, यही अविनाशी है, यही अभय है, यही ब्रह्म है। प्रजापति के वचन सुन इंद्र और विरोचन संतुष्ट होकर अपने अपने घर की ओर चले। उनको ऐसे जाते देखकर प्रजापति ने मन में कहा, ये बेचारे आत्मा को जाने बिना ही, साक्षात अनुभव किए बिना ही जा रहे हैं। इन देव और असुरों में से जो कोई भी इस प्रतिबिंब आधार शरीर को ही ब्रह्म मानने के उपनिषद वाले होंगे, उनका तो पराभव ही होगा।
विरोचन तो अपने को ज्ञानी मानकर शांत हृदय से असुरों के पास जा पहुंचा और प्रतिबिंब के निमित्त शरीर को ही आत्मा समझकर उसने इस शरीर में आत्मबुद्धि रूप उपनिषद का उपदेश आरंभ कर दिया। उसने कहा, प्रजापति ने शरीर को ही आत्मा बतलाया है, इसलिए यह शरीर रूपी आत्मा ही पूजा करने योग्य है, यही सेवा करने योग्य है। इस जगत में केवल इस शरीर रूपी आत्मा की ही पूजा और सेवा करनी चाहिए। इसी की सेवा से मनुष्य को दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। इस देहात्मवाद के कारण जो दान नहीं करता, सत्कार्यों में श्रद्धा नहीं रखता तथा यज्ञादि नहीं करता, उसको आज भी असुर कहा जाता है। ये देहात्मवादी उपनिषद असुरों का ही चलाया हुआ है। ऐसे लोग शरीर को ही आत्मा समझकर इसे गहने कपड़े आदि से सजाया करते हैं और सारा जीवन इस शरीर की सेवा पूजा में ही खो देते हैं। अंत में यही लोग मृत शरीर को भी गहने कपड़ों से सजाकर ऐसा समझते हैं कि हम स्वर्ग को जीत लेंगे। अमुम लोकम जेष्यंतः। इधर दैवी संपदा वाले इंद्र को स्वर्ग में पहुंचने से पहले ही विचार हुआ कि प्रजापति ने तो आत्मा को अभय कहा है, परंतु इस प्रतिबिंब रूप आत्मा को तो अनेक भय रहते हैं। अब शरीर सजा होता है तो प्रतिबिंब भी सजा हुआ दिखता है, शरीर पर सुंदर वस्त्र होते हैं तो प्रतिबिंब भी सुंदर वस्त्रों वाला दिखता है, शरीर नख केश से रहित साफ सुथरा होता है तो प्रतिबिंब भी साफ सुथरा दिखता है। इसी प्रकार यदि शरीर अंधा होता है तो प्रतिबिंब भी अंधा होता है, शरीर काला होता है तो प्रतिबिंब भी काला दिखता है, शरीर लूला लंगड़ा होता है तो प्रतिबिंब भी लूला लंगड़ा दिखता है, शरीर का नाश होता है तो प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है। इसलिए इसमें तो मैं कुछ भी आत्मस्वरूपता नहीं देखता। इस प्रकार विचार कर इंद्र समित पाणी होकर फिर प्रजापति के पास आया। प्रजापति ने इंद्र को देखकर कहा, इंद्र, तुम तो विरोचन के साथ ही शांत हृदय से वापस चले गए थे, अब फिर किस इच्छा से आए हो? इंद्र ने कहा, भगवन, जैसा शरीर होता है वैसे ही प्रतिबिंब दिखता है। शरीर सुंदर वस्त्र अलंकृत और परिष्कृत होता है तो प्रतिबिंब भी वैसा ही दिखता है, शरीर अंध श्राम या अंगहीन होता है तो प्रतिबिंब भी वैसा ही दिखता है, शरीर का नाश होता है तो इस प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा का भी नाश होता है, अतएव इसमें मुझे कोई आनंद नहीं दिख पड़ता। प्रजापति ने इंद्र के वचन सुनकर कहा, हे इंद्र, ऐसी ही बात है, वास्तव में प्रतिबिंब आत्मा नहीं है। मैं तुम्हें फिर समझाऊंगा, अभी फिर 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत से यहां रहो। इंद्र 32 वर्ष तक फिर ब्रह्मचर्य के साथ गुरु के समीप रहा। तब प्रजापति ने उससे कहा, जो इस स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है, स्वप्न में अनेक भोग भोगता है, वो आत्मा है, वही अभय है, अमृत है, वही ब्रह्म है। इंद्र शांत हृदय से अपने को कृतार्थ समझकर चला गया, परंतु देवताओं के पास पहुंचने के पहले ही उसने सोचा कि स्वप्न के दृष्टा आत्मा में भी दोष है। यद्यपि शरीर अंधा होने से ये स्वप्न का दृष्टा अंधा नहीं होता, शरीर के श्राम यानी व्याधि पीड़ित होने से ये श्राम नहीं होता, शरीर के दोष से ये दूषित नहीं होता, शरीर के वध से इसका वध नहीं होता, तथापि ये नाश होता हुआ सा, भागता हुआ सा, शोकग्रस्त होता हुआ सा और रोता हुआ सा लगता है। इससे मैं इसमें भी कोई आनंद नहीं देखता। इस प्रकार विचार कर इंद्र हाथ में समिधा लेकर फिर प्रजापति के समीप आया और प्रजापति के पूछने पर उसने अपनी शंका उनको सुनाई। प्रजापति ने कहा, इंद्र, ठीक यही बात है, स्वप्न का दृष्ट आत्मा नहीं है। मैं तुम्हें फिर उपदेश करूंगा, तुम फिर 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत से यहां पर रहो। इंद्र तीसरी बार 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के साथ फिर रहा। इसके बाद प्रजापति ने कहा, जिसमें यह जीव निद्रा को प्राप्त होकर संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार शांत हो जाने के कारण संपूर्ण रीति से निर्मल और पूर्ण होता है और स्वप्न का अनुभव नहीं करता, यह आत्मा है, अभय है, अमृत है, यही ब्रह्म है।
इंद्र को आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझ में आ गया, मानकर शांत हृदय से स्वर्ग की ओर चला। परंतु देवताओं के पास पहुंचने से पहले ही मार्ग में विचार करने पर उसे सुषुप्ति अवस्था में पड़े हुए जीव को आत्मा समझने में दोष दिख पड़ा। उसने सोचा कि सुषुप्ति अवस्था में आत्मा जागृत और स्वप्न की तरह यह मैं हूं ऐसा अपने को नहीं जानता, न इन भूतों को जानता है और उसमें से विनाश को ही प्राप्त होता है, यानी सुषुप्ति अवस्था का सुख भी निरंतर नहीं भोग सकता, अतएव इसमें भी कोई आनंद नहीं दिखता। इस प्रकार विचार कर इंद्र समित पाणी होकर चौथी बार फिर प्रजापति के पास आया। उसे देखकर प्रजापति ने कहा, तुम तो शांत हृदय से चले गए थे, फिर लौट कर कैसे आए? इंद्र ने कहा, भगवान, इस सुषुप्ति में स्थित ये आत्मा जागृत और स्वप्न में जैसे अपने आप को जानता है, वैसा वहां यह मैं हूं यूं नहीं जानता, इन भूतों को भी नहीं जानता, और इस अवस्था में से इसका विनाश सा भी होता है, अतएव मैं इसमें भी कोई आनंद नहीं देखता। प्रजापति ने कहा, इंद्र, ठीक है, सुषुप्ति में पड़ा हुआ जीव वास्तव में आत्मा नहीं है। मैं तुम्हें फिर इसी आत्मा का ही उपदेश करूंगा, किसी दूसरे पदार्थ का नहीं। तुम यहां 5 साल तक फिर ब्रह्मचर्य व्रत से रहो। 3 बार 32-32 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने पर भी प्रतिबंधक रूप तनिक से भी हृदय के मल को नाश करके प्रकृत अधिकारी बनाने के हेतु से फिर 5 वर्ष ब्रह्मचर्य के लिए प्रजापति ने आज्ञा दी। पूरे 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर चुकने पर प्रजापति ने कहा, इंद्र, ये शरीर मर्त्य है, सर्वदा मृत्यु से ग्रस्त है, तो भी ये अमृत रूप तथा अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है। ये अशरीरी आत्मा जब अविवेक से सशरीर अर्थात शरीर में आत्मभाव रखने वाला होता है, तभी सुख दुख से ग्रस्त होता है। जहां तक देहात्म बोध रहता है, वहां तक सुख दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता। विज्ञान से जिसका देहात्म बोध नष्ट हो गया है, उस अशरीरी को निसंदेह सुख दुख कभी स्पर्श नहीं कर सकते। इसके बाद वायु, अभ्र और विद्युतादि का दृष्टांत देते हुए अंत में प्रजापति ने कहा, इस शरीर में जो मैं देखता हूं ऐसे जानता है, वह आत्मा है, और नेत्र उसके रूप के ज्ञान का साधन है। जो इस गंध को मैं सूंघता हूं ऐसा जानता है, वो आत्मा है, और गंध के ज्ञान के लिए नासिका है। जो मैं इस वाणी का उच्चारण करता हूं ऐसा जानता है, वो आत्मा है, और उसके उच्चारण के लिए वाणी है। जो मैं सुनता हूं ऐसा जानता है, वो आत्मा है, और उसके श्रवण के लिए श्रोत्र है। जो जानता है कि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा है, और मन उसका दैवी चक्षु है। अपने स्वरूप को प्राप्त वो मुक्त इस अप्राकृत चक्षु रूप मन के द्वारा इन भोगों को देखता हुआ आनंद को प्राप्त होता है, यही आत्म तत्व है। इंद्र आनंद में मग्न हो गया और देवलोक में लौटकर उसने देवताओं को इस आत्मा का उपदेश दिया। देवताओं ने इस आत्मा की उपासना की, इसी से उन्हें सर्वलोक और संपूर्ण भोगों की प्राप्ति हुई। जो इस आत्मा को भली भांति जानकर इसका साक्षात्कार करता है, वही सर्वलोक और संपूर्ण आनंद को प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद के आधार पर